अरे भाई, हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं इसलिए कि हम लोगों ने अपनी शूटिंग कंप्लीट की है। बिल्कुल, होटल ब्यूटीफुल, हमारे डायरेक्टर साहब ने बड़ी मेहनत की है। देखिए, जब पिक्चर कंप्लीट हो जाती है तो इतनी खुशी होती है कि हम लोग कितनी मेहनत इन्होंने लगाई फिल्म बनाने में और फिर हमसे कितनी मेहनत करवाई इन्होंने, तो एक वो होता है कि जो हमने सोचा है वो काम उसी तरह हो, उसी तरह हो जाए और जिस तरह इन्होंने सोचा उसी तरह काम हो गया, हो गया बहुत अच्छे से हुआ। इस खुशी में इन्होंने ये पहना दिया मुझे। आज डबल खुशी है, एक तो क्रिसमस की और एक हमारी फिल्म की कंप्लीशन की। या आज लास्ट दिन था शूट का जिसमें सारे एक्टर्स मौजूद थे, उसमें एक स्पेशल जो हमारे स्टार अट्रैक्शन जिसको हम कहेंगे वो है कालीचरण, जो भैंस है और उसको जो है स्टेज के ऊपर रैम के ऊपर वॉक करवाया है, तो वो एक अलग चीज़ हमने आज शूट की है। उसके अलावा सारे एक्टर्स के कुछ सीन्स बाकी थे वो हमने शूट किए हैं। सो इट्स अ डबल सेलिब्रेशन फॉर अस, इट्स क्रिसमस एंड द फाइनल डे ऑफ शूट, सो वी आर ऑल वेरी हैप्पी एक्साइटेड। नए कलाकारों के साथ नहीं, ये सब आज के नए कलाकार जो है ना वो नए नहीं होते हैं, ये सब सीख कर आए हुए होते हैं, सब तैयारी में आते हैं और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। इनको कोई नर्वस नहीं, बल्कि इनको देख के हम नर्वस हो जाते हैं। ही इज जस्ट बीइंग मॉडेस्ट। ही जॉनी भाई जो है ना वो नए लोगों को इतना कंफर्टेबल कर देते हैं ना कि फिर वो जो है कंफर्टेबल होके बहुत अच्छा काम निकलवाते हैं उनसे। ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स नर्वस हो रहे थे, टेक हो रहे थे, वहाँ जॉनी भाई ने उन्हें कंफर्टेबल किया। और मैं एक चीज़ जॉनी भाई के बारे में ये कहना चाहूँगा कि वो कभी गिव अप नहीं करते, चाहे 10 टेक हो जाए, 15 टेक हो जाए, जॉनी भाई हमेशा उसी टेम्पो के साथ नए आदमी के साथ भी काम करते और उसे काम कंफर्टेबल करके निकलवाते हैं। सो इट मेक्स माई जॉब वेरी इजी। रैम्प, या दैट वाज एक्चुअली अ फन पार्ट ऑफ दिस मूवी एक्चुअली, बट आई थिंक इट्स मोर लाइक यू नो यू हैव टू वॉच एंड फाइंड आउट व्हाट इज द फनीएस्ट पार्ट इन दैट रैम्प वॉक। And I must say that it is really funny and you will really have to watch this movie because I think we are not allowed to speak about the ramp. Exactly as I told, you have to see the movie. It's like crazy stuff going on. It's basically in one word I can tell, it's a laugh riot. It's like, you know, it's completely out and out comedy film. There is no space for like any other kind of emotions. It's just that, you know, the people coming to see Hotel Beautiful can come by keeping their sorrows, depressions, you know, everything outside. Come, enjoy for 2 hours and go back. That's the only motive of Hotel Beautiful.